कैसे खाएगा रिशु? वाओ, रिशु का खाना। क्या क्या खाएगा रिशु? क्या क्या खाएगा रिशु? हाँ, सब खा लेगा रिशु, तो सब खा लेगा, है ना रिशु? सब खा लेगा ना। वाओ, तेज नहीं जाना है रिशु, रुको, तेज नहीं जाना है। क्या चाहिए? ये सीखते। क्या चाहिए? ये बान कलर सीखते। बान कलर को ठीक कर रहे हो? ठीक है, ठीक कर दो। पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन, ठीक है, सोशल सर्विस है ये। ठीक है, काम कर दो बहुत सारा। नमस्ते, स्मिता पीडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज सुषमा, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। अभी बज गए हैं 12 और रिशु वहाँ पे नहा रहा है। मैं उसका वेट कर रही हूँ कि रिशु कब बाहर आए, फिर उसको पोछ के लेके जाऊंगी। इसको छोड़ के मतलब सिर्फ मैं चावल बिठा के उसके लिए, क्योंकि मैं दाल मतलब एकदम से तड़का मार के दाल बिठा दी थी उसके लिए, और गोभी और बीन्स की भाजी बनाई और लेके आई थी बाहर। अभी गए थे ना बाहर, तो बाहर से मतलब लेके आए धनिया के पत्ते और क्या हो रहा है वहां से लेके आए धनिया के पत्ते और पालक। मुझे ना वो याद बीच बीच में मतलब याद नहीं आते मैं कि क्या बोलना है अभी, मतलब उस जो मैं अभी बोलने वाली हूँ उसको हिंदी में क्या बोलना है। ऐसे आती है बराबर, लेकिन वो उस टाइम एकदम से ध्यान में नहीं आता, इसीलिए मैं रुक जाती हूँ। फिर बहुत बार मुझे एडिटिंग में प्रॉब्लम होती है कि मैं बहुत समय तक ऐसे ब्लैंक हो जाती हूँ, क्या बोलना है, क्या बोलना है रिशु। तो इसी के वजह से ना मतलब भी एकदम से फ्लो में आती हूँ, फिर एक जगह पर ऐसे रुकती हूँ कि मतलब बहुत खराब लगता है। फिर उसके बाद जो एडिटिंग में जो झंझट ज़्यादा समय लेता है ऐसे, तो सोच वो दिमाग और जुबान एक साथ नहीं चलते हैं। और आपको जो आवाज़ आ रही है ना, वो जनरेटर की आवाज़ है अभी, अगर आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आ रही है तो वो जनरेटर का साउंड है, क्योंकि यहाँ पे अभी सप्लाई नहीं है, करंट सप्लाई बीच बीच में आता है। ये मतलब बड़ी बड़ी सोसाइटी में यही सबसे प्लस पॉइंट रहता है कि आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि जनरेटर वगैरह रहता है। नहीं तो क्या, अमरावती में हमको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी जब सप्लाई नहीं होता था, तो चलो जैसे तैसे करके हम 3 साल वहाँ पे गुजार दिए। अच्छा खासा था वहाँ पे एक्सपीरियंस, अच्छा खासा मेमोरी बन गया, वहाँ पे रिशु हो गया, तो अमरावती हमेशा हमारे लिए स्पेशल रहेगा। अभी रिशु नहा लेगा, उसके बाद रिशु ने बोला है कि अगर उसको याद रहेगा तो मैं दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी जूस। अगर उसको याद रहेगा तो दूंगी, नहीं तो गई आज। फिर मतलब 12:30 को अगर खिला दूंगी ना, फिर उसको भूख लगे, मतलब आदत नहीं है, वो 1:30 या 2 के आसपास खाता है, तो इसीलिए बीच में थोड़ा सा तो गैप देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ जूस से नहीं, पहले कुछ और खिलाऊंगी, बिस्किट वगैरह 2-3 दे दूंगी उसको, फिर उसके बाद वो वाला चीज़ उसको सुबह मैंने बना के दी थी, फिर भी मतलब उसको आज उसको चढ़ रहा है, उसके सिर पे वो दिमाग मतलब वो भूत सवार है जूस वाले। मजे कर रहे रिशु, अच्छा लग रहा है? हाँ चड्डी, मजा आ रहा है कि नहीं बोलो तो सही, मुझे तो दिख के लग रहा है कि मजा आ रहा है। इमली भिगो दी कि धनिये की चटनी बनाऊंगी, अभी ये सप्लाई नहीं चला गया, देखते हैं अगर 10-15 मिनट के अंदर आएगा तो बना दूंगी चटनी, नहीं तो इसको काट के रख दूंगी। एकदम से ले आई कि आधा तो चटनी बनाऊंगी और आधा मतलब चटनी ही बनाऊंगी, लेकिन उसमें कुछ नहीं डालूंगी, उस रूम पे कर लेती हूँ। रिशु जब तक नहा रहा है मेरा काम भी हो जाएगा। रिशु भाई जल्दी आओ, मम्मा इधर काम करेगी, तुम उधर, जल्दी खत्म हुआ तुम्हारा? अगर आज सैलरी जल्दी आएंगे तो कोरिएंडर और लेमन सूप बनाऊंगी, लेट पे आते ना तो मन नहीं करता बिल्कुल भी। कल तो आते आते 12 लगा दिया। ये होगा कोरिएंडर सूप बनाऊंगी तो ये इस्तेमाल होगा, इसमें से आधा आज चटनी होगा और आधा ऐसे रख दूंगी ऐसे ही,
और आधा ऐसे नॉर्मल चटनी बना के, मतलब बिना कुछ भी नहीं डालूंगी ऐसा चटनी बना दूंगी। किसी रेसिपी में मतलब बिना कुछ डाले ऐसे चटनी की इस्तेमाल होते हैं ना ऐसे, तो वही वाले इस्तेमाल, मतलब 3 types ऑफ यूजेस होगा इसका। ये 30 रुपए का धनिया और 20 रुपए का ये पत्ता लेके आई, क्या बोलते हैं इस पत्ते को, पालक। क्या रे ले आओ, ये पुला, ये क्या है, ये क्या, ये है, ये ठीक है, भगवान को प्रणाम करो। हाँ खाना, कुछ नहीं हुआ है, तुम करो, धुआं नहीं, धुआं नहीं, वो धूप है ऋषु, तुम वहां पे प्रणाम करो, ऋषु नमः, तो पीछे जा, पीछे जाके करो, पीछे जाके करो, करो, नमः नमः, ओम भू भू से बोल दो, ओम, बैठ के बोलो, ओए ओए ओए। अभी मेरा रेडी हो गया, ये हो गया मेरा आज के लिए चटनी, और इसको मैं ऐसे ही स्टोर करूँगी, ये इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ पत्ते को पीस कर, मतलब पीस लिया इसको, धनिया के पत्ते और ये धनिया, और इसमें इमली, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी गुड़, ये चटनी जो अभी हम खाएंगे, और शैली जी के लिए भी आधा रख देंगे, और ये ऐसे ही मैं रख रही हूँ। इसको मैंने धोया नहीं है, क्योंकि धोने के बाद सुखाने का काम मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, मैं ऐसे रखती हूँ, जब इस्तेमाल करूँगी तो ऐसे मैं निकाल के फिर धो के। इसको मैंने 3 layer बनाया है, 1 layer फिर सेकेंड, मतलब पेपर का 3 layer, 1, 2, 3, फिर ऊपर से भी ढक के, तो ये कम से कम ना मतलब 2 हफ्ते तक ऐसे रहेंगे। ज़्यादा ले आई क्योंकि बार बार कितने बार जाओगे ऐसे, एक बार लेके ऐसे तो स्टोर कर सकते हो ना, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आज रात को। और जो मतलब मिक्सी में पानी निकला ना थोड़ा सा, मैंने रख रही हूँ इसको, आज रात को कोरिएंडर सूप ये आए ना आए, हम बना, मैं बना के पीऊँगी, ऋषु को भी दूँगी, अगर पिएगा तो अच्छी बात, नहीं तो नहीं, तो कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। मतलब इसका जो ये भी इस्तेमाल होगा ना, तो समझो कि पूरा पैसा वसूल, 30 रुपए को मैं भरपूर इस्तेमाल कर रही हूँ। हमेशा ना बच्चों को मतलब ज़्यादा वेजिटेबल दिया कीजिए, तो वो बच्चे क्या मतलब, और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी बना के दीजिए ऐसे, नहीं तो वो एक सब्जी खाएंगे ना तो वो बोर हो जाते हैं ऐसे, बहुत सारे मतलब ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड्स मतलब बोलते हैं कि उनके बच्चे नहीं खाते वेजिटेबल्स, लेकिन पता नहीं, वो आपको वेरिएशन देना पड़ेगा, बहुत सारे फॉर्म उनको देना पड़ेगा, फिर उसके बाद खाएगा। आजकल डॉक्टर भी बोल रहे कि जितना हो सके फ्रूट्स दो, जितना हो सके वेजिटेबल दो, हाँ लगा रही हूँ, और मेरे डॉक्टर तो बोले कि दूध की ज़रूरत नहीं है, आप दूध ना दे तो अच्छा है, कभी कभार पी लिया तो उतना काफ़ी है। जैसे क्या सुबह ही उसको मैंने बहुत दिनों के बाद स्मूदी दिया मैंने, मतलब स्मूदी तो खाता है लेकिन वो ये दूध वाले स्मूदी नहीं, ज़्यादा नहीं देती उसको, हम भी नहीं पीते हैं उसके वजह से, हम भी, हमारा भी इंटेक कम हो गया, अरे क्या कर दिया ऋषु इसका, तो इसीलिए ज़्यादा फ्रूट दिया कीजिए। एक बैटरी नहीं है, कैसे चलेगा, कल फेंक दिया था, कल तूने फेंका था ना बैटरी, देख अभी कैसे देखेगा। दिन से मेरी बाई नहीं आ रही है, उसको मतलब सर्दी है ऐसे, इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पे वो नहीं आ रही है, और मैं थोड़ा पूछा वो कि ऋषु साइकिल लेके जाता है ना बाहर, तो फिर घर पे आके ही ऐसे चला देता है, तो उसका मतलब मार्क रह जाता है ऐसे दाग वगैरह, तो मैं उस ऋषु मेरे घर गंदा हो गया, तूने किया, मैंने मना किया ना ऋषु नहीं चलाते, बाहर चलाते, सुनता नहीं है, फिर चलो ऋषु मैं पोछा लगाते, तो जल्दी जल्दी खाना ख़त्म कर चलते हैं, नहीं मम्मा मुझे पोछा लगाना है। आज की डिनर प्रिपरेशन कर, डिनर आज के डिनर पे सूप इंक्लूडेड है, तो कोरिएंडर सूप बनाऊंगी, तो थोड़ा सा हल्का सौते कर रही हूँ, कैबेज डाला है और गार्लिक डाला है, तो बीन्स भी डाला है, सबको बारीक करके डाला है, मतलब पहले मतलब कोरिएंडर को छोड़ के बाकी सबको डाल के थोड़ा सा सौते कर दिया पहले, उसके बाद अभी डाली हूँ कोरिएंडर, और ये जो मिक्सी का पानी था मैंने रखा था फ्रीज में डाल दिया था, तो ये पानी इस्तेमाल हो जाएगा, तो आज कोरिएंडर का मतलब भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, आज कोरिएंडर कोरिएंडर रहेगा। पहले खाऊँ क्योंकि शैली जी का आज पता नहीं, वो उनका ऑफिस में बहुत काम है, तो अभी पहले तो मैं ले लेती हूँ, उनके लिए भी रख लूँगी, अगर वो आएंगे तो पी लेंगे, नहीं तो फिर से मुझे पीना पड़ेगा, और क्या करें, ऋषु को भी देती हूँ, अगर
नहीं खा पाएगा, पता है ये इसके वजह से नहीं खा पाएगा। ऐसे छोटा है, और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मेरे साथ कंपनी रहेगा। अभी छोटा भीम देख रहा है वो पेट के। मैं सूप में ना कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं करती, मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको पता चल रहा है ये क्या है, कुछ आइडिया लग रहा है, दिखाती हूँ अच्छे से ये क्या है, तो प्लीज़ बताना। मैं तो बताऊँगी और किसी वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो अभी तक, तो प्लीज़ बताना कि मैं ये क्या डाल रही हूँ। जिनके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो ये वाला ऑप्शन बहुत ईजी है और हेल्दी भी है, तो कॉर्नफ्लोर के मतलब बदले ये डाल सकते हो। तो अगर कुछ आइडिया लग रहा है तो प्लीज़ बताना। थोड़ा सा हिंस दे देती हूँ, इसको उपवास में खाते तो पक्का आइडिया आ गया। मैं 3 चम्मच के आसपास मैंने डाला है, थोड़ा गाढ़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो सूप कितना अच्छा दिख रहा है ना, पीने में भी मज़ा आएगा। लास्ट में मतलब सब होने के बाद ही लास्ट में नींबू को स्क्वीज करूँगी। अभी उसको थोड़ा सा मैं उबालने के लिए छोड़ देती हूँ, सिमर कर देती हूँ, हाई में नहीं रखूँगी क्योंकि फ्लैट पैन में दिया है ना तो वो बाहर आ जाएगा। चम्मच ब्लैक पेपर, क्रस्ट ब्लैक पेपर, मेरा ये ख़त्म होने को है, फिर से बनाना पड़ेगा। अब फाइनल स्टेप नींबू, अभी नींबू डालना है, नींबू का रस एकदम से मतलब कोरिएंडर सूप में जान आ जाएगी, एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे हम। तो रख देते हैं, भगवान जी का बर्तन घिस लेंगे। मिक्स 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 टिशू, मम्मा को मानना नहीं है, देखो कंसिस्टेंसी आ गई ना ऐसे। अगर आप चाहो तो इसको और भी गाढ़ा बना सकते हो, और भी ज़्यादा मतलब देर के लिए रख दोगे। मैंने इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे सिमर होने के लिए रख दिया था, तो उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी आ गई है, देखो ऐसी आ गई है। तो इसको अगर और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ऐसे भी रख दोगे ना तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे सूप इतना ही वाटरी पसंद है। तो मैं निकाल दूंगी इसको, जगह पे निकाल देती हूँ और मैं पी लेती हूँ। शैली जी के लिए मैं रख दूंगी। पागल, लुक एट द कलर, कितना अच्छा दिख रहा है ना, कितना अच्छा दिख रहा है। तुम दिखाओ, तुम मैं, क्या दिखाओ, मैं दिखूं। तुम देख, तुमको देखना है मैं दिखूं कैसा दिख रहा है। क्यों मैं दिखाऊं? थोड़ी सी नमक कम हो गई थी तो अभी मैंने थोड़ा सा ही नमक मैंने ऐड किया इसमें ना, बिल्कुल भी कुछ, रुको, बिल्कुल भी कुछ ऐड नहीं करना, ऐसे ही ऐसे पीना, मतलब कुछ भी सॉस वगैरह नहीं डालना। तो नहीं तो बस क्या सॉस वगैरह डोमिनेट करेंगे इतना। रिसु मत करो, ओहो ये लड़का है, धीरे से गर्म होगा। अच्छा हाँ, आज ये जो सूप का कप है ना मतलब बराबर इस्तेमाल होगा, मतलब ये लाई थी मैं सूप के लिए लेकिन इसमें मैं चाय पी रही थी, तो आज तो इसका प्रॉपर यूज होगा। पियो, अच्छा अच्छा, हाँ मेरा पैंट में लगा है। हाँ हाँ, पैंट में डाल के हंस रहा है, कैसे हंसना है, कैसे हंसना है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और हमेशा की तरह कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, हर हर महादेव।